हाय, आर्यन मोटिवेशनल स्पीकर से मैं राम नारायण। दोस्तों, एक बार एक किसान के गेहूं के खेत में एक चिड़िया घोंसला बना रखी थी। उस घोंसले में उसने अंडे दिए, फिर अंडे से बच्चे निकले। बच्चों के दाना के लिए चिड़िया दूर जंगल में जाती, दाना चुगती और लाती बच्चों को खिलाती। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। एक दिन चिड़िया जब जंगल से दाना चुग कर लाई तो बच्चों को उदास दिखी और बच्चों से पूछी, क्या बात है, तुम लोग क्यों उदास हो? बच्चों ने कहा कि आज किसान आया था, कह रहा था कि कल मैं अपने बेटे से कहूँगा कि वह गेहूँ की फसल काट दे। चिड़िया ने बच्चों से कही, घबराओ मत, गेहूँ की फसल कल नहीं कटेगी। धीरे धीरे कई दिन बीत गए, गेहूँ की फसल नहीं कटी। फिर एक दिन चिड़िया जंगल गई, दाना चुन के लाई और बच्चों को उदास देखी। फिर पूछी, क्या बात है बच्चों, क्यों उदास हो? बच्चों ने कहा, आज किसान फिर आया था और कह रहा था उस दिन बेटे ने गेहूँ की फसल नहीं काटी, पर कल मैंने मजदूरों से कह दिया है, गेहूँ की फसल अवश्य कट जाएगी। चिड़िया ने बच्चों से कहे, घबराओ मत बच्चों, कल भी गेहूँ की फसल नहीं कटने वाली है, निश्चिंत होकर रहो। धीरे धीरे फिर कई दिन बीत गए, गेहूँ की फसल नहीं कटी। चिड़िया दाना चुनके उस दिन भी जंगल से लाई और बच्चों को घबराए हुए फिर देखी। बच्चों से पूछी, क्या बात है? बच्चों ने बताया, किसान आज फिर आया था और कह रहा था कि दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए, मैं कल खुद गेहूँ की फसल काटूंगा। चिड़िया ने कही, अब तो गेहूँ की फसल अवश्य कट जाएगी, हम लोगों को कहीं सुरक्षित जगह चले जाना चाहिए। चिड़िया ने मेहनत करके घोंसला बनाई थी, वहाँ पे ले जाने के लिए कह रहे थे। दूसरे दिन किसान आया और गेहूँ की फसल काटने लगा। सारे बच्चे बड़े आश्चर्य हुए, क्योंकि उसकी माँ ने जो कही वो बात सत्य निकला। और बच्चों ने माँ से पूछा, माँ तुमने कैसे जाना कि किसान कल गेहूँ अवश्य काट देगा? चिड़िया बोली, जब तक व्यक्ति दूसरे के भरोसे रहता है तब तक उसके काम की संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन जब वह स्वयं करना शुरू कर देता है तो निश्चित काम हो जाता है। दोस्तों, हमें दूसरे को भरोसे कम से कम रहने की कोशिश करना चाहिए, जहाँ तक हो सके अपने काम स्वयं करना चाहिए। अगर दूसरे से हमें काम कराना ही है तो अपनी देखरेख और निगरानी करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम चाहते हैं काम वैसा तभी होगा जब हम अपने निगरानी में काम कराएं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।